वीडियो के एंड में मैं आपको जो इसका रिव्यू भी दूंगा कि क्या आपको ये। तो गाइज ये एक गिव अवे वीडियो है और मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप में से कोई भी एक लकी विनर ये हेडफोन्स जीत सके। क्या चल रहा है दोस्तों, दिस इज द चत्सोनी एंड यू गाइज आर वॉचिंग इंटरेस्टिंग चैनल AS हैक्स। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारे पास है एडिक्ट की तरफ से आने वाले ये हेडफोन्स और आज हम इसी की जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। और इसकी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए है, एक्चुअल में 1300 के थे लेकिन एक डील की वजह से मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए के पड़े। तो चलिए जल्दी से इसको जो है अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या ये 600 रुपए की वर्थ ऑफ मनी है या नहीं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए जिससे कि आपको और भी अच्छी सी DIY वीडियो, टेक्निकल वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग की वीडियोस के लिंक सबसे पहले देखने को मिलती रहे। अब जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये है वो मेन पैकेजिंग बॉक्स की जो कि आपको देखने को मिलती है, ये इसकी मेन पैकेजिंग है। और बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है एडिक्ट बाय बॉट और उसके बाद यहाँ पर इधर लिखा है इसका मॉडल नंबर डायनाबिट्स EWH01। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी है, इनऑर्गेनिक डिजाइन, पंची बेस, 300 mAh की बैटरी और कंपनी इसका जो बैटरी पे प्लेबैक टाइम है वो 10 घंटे का बताती है, 10 घंटे तक का इसका बैटरी बैकअप टाइम बता रही है लेकिन ये तो हमें चेक करने पर ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डुअल मोड्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ एंड ऑक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलता है इंटीग्रेटेड कंट्रोल विद बिल्ट इन माइक, इसके अंदर बिल्ट इन माइक है। और उसके बाद यहाँ पर एडजस्टेबल एंड लाइट वेट हेडफोन्स। तो चलिए इसे जल्दी से ओपन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका बॉक्स, जब हम खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसके साथ हमको सबसे ऊपर ही देखने को मिलती है एक ऑक्स केबल, ऑक्स टू ऑक्स है, इसकी वजह से हम इसकी ऑक्स कनेक्टिविटी करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, माइक्रो USB, इसके अंदर माइक्रो USB से चार्ज होगा और इसको हम डायरेक्ट एडेप्टर में लगा के चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम निकालते हैं हमारे मेन हेडफोन्स, यहाँ पर ये मेन हेडफोन्स, इनको भी हम साइड में रखते हैं। फिर आपको गाइज इसके साथ मिल जाती है एक 1 ईयर वारंटी कार्ड जिसे सकते हो। फिर यहाँ पर एक यूजर मैनुअल है जिसको तो हम फेंक ही देते हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है इससे। मेन जो है हमको वर्क है हमारे इस हेडफोन से, इसको बाहर निकालते हैं पहले तो। ओके तो गाइज इसको बाहर निकालते से हमको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिल जाती है एडिक्ट की ब्रांडिंग और यहाँ पर साइड में भी इसका एडिक्ट का लोगो बना हुआ है दोनों तरफ पे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये स्पंज दे रखा है इन्होंने और साइड में अगर हम बात करें ये हेडफोन्स की तो ये इतने ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छे हैं। वैसे तो ये गाइस यहाँ पर अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये प्लास्टिक मटेरियल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन प्लास्टिक काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और ऊपर से मैं सही बता रहा हूँ गाइस सही में काफी ज्यादा लाइट वेट है। और गाइस इसी के साथ अब हम बात करते हैं इन दोनों केबल्स की। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं हमारी ऑक्स को, केबल को। तो गाइज ये है मेन ऑक्स केबल, ये इतनी बड़ी है आप देख सकते हो, ये डबल है अभी भी और ये इसकी क्वालिटी भी काफी ओके है, इतनी ज्यादा एकदम हाई क्वालिटी तो नहीं कह सकते लेकिन ओके है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग केबल की यहाँ पर और ये चार्जिंग केबल आप देख सकते हो, इसको हम निकालते हैं। तो गाइज चार्जिंग केबल की क्वालिटी तो यार सही में भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा मतलब बड़ी भी है वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी सी पकड़ा दी आपको। साइड में आपको यहाँ पर एक माइक्रो USB पोर्ट देखने मिल जाता है, एक माइक का सेक्शन मिल जाता है, एक ऑक्स का स्लॉट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर तीन आपको फिजिकल बटन्स देखने को मिलते हैं, एक आप इससे सॉन्ग को फॉरवर्ड और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, इससे आप सॉन्ग को पीछे ले जा सकते हो और वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हो, और एक यहाँ पर है मेन पावर बटन जिससे आप कॉल वॉल भी उठा सकते हो। तो गाइस चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको इसको जो प्रेस करके रखना है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो इसकी ब्लू लाइट जो है ऑन हो गई है और साउंड भी आता है इसके अंदर से जैसे आप इसे ऑन करोगे। तो गाइस ये जो भी आप साउंड सुन रहे हो ये हमने इस NCS म्यूजिक को प्ले करा है।
तो गाइस अब चलिए इसको एक बार ऑक्स की केबल से भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर इसके ऊपर जो है हेडफोन का साइन आ चुका है। अभी आप जो साउंड सुन रहे हो वो इसी माइक इसके ही माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और आप सुन सकते हो कैसी कैसी वॉइस आ रही है। और गाइस अगर आप बात करो फिटिंग की तो फिटिंग के मामले काफी अच्छे हैं। आप इसको कैसा भी आगे पीछे हिल लो मैं तो कहता हूँ कि आप इससे रनिंग भी लगा लोगे तो तब भी इसका कुछ नहीं होने वाला। काफी अच्छी सी फिटिंग है इसकी। और गाइस मैंने इससे कॉल करा था और कॉलिंग की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। कॉलिंग के टाइम तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। और गाइस ये हेडफोन को जो है मैंने पर्सनली टेस्ट करके देखा था। मैंने इसको जो एक वीक हो गया है और गाइस एक वीक तक मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है, ठीक है। और मैंने इसके जो है पूरा का पूरा टेस्ट किया था कि क्या क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेरे को इसके अंदर एक भी डिफेक्ट तो देखने को नहीं मिला। इसका चार्जिंग टाइम आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आपको 1 से 1.5 घंटे तक इसको चार्ज करना होगा। उसके बाद आप इसको जो 10 घंटे तक, मैं तो 10 से ज्यादा ही चला था। मैंने जो है पूरी पूरी वेब सीरीज देख ली लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पूरी पूरी वेब सीरीज देखी मैंने लगभग 11 से 12 घंटे हो गए फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो गाइस आप जो है सिंपल इसके साथ ऑक्स से कनेक्ट करके इसको ऑक्स के यूज थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो आपको बैटरी की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब इच्छा हो तब आप इसको जैसे मन चाहे वैसे यूज कर सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस अगर मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो यार मैं तो कहूंगा कि अगर ये आपको 800 रुपए तक में मिल रहे हैं तब भी ले लेना, लेकिन अगर 800 से ज्यादा के मिले तो मत लेना क्योंकि उससे ज्यादा फिर बहुत अच्छे अच्छे हेडफोन्स और भी है मार्केट में। लेकिन अगर ये आपको 600 से 800 की रेंज में मिलते तो यार कोई बुरे नहीं है यार, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है और उसके बेस की बात करो तो बेस काफी ज्यादा सही है। आपको सिर्फ 600 रुपए की प्राइस रेंज में इतना अच्छा बेस मिल रहा है और उसकी कनेक्टिविटी भी दो है। अगर आप गेमिंग वगैरह के लेना चाहते हो तो गेमिंग के लिए भी बेस्ट होगा ये ऑप्शन। और गाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा सही है इसकी। ब्लूटूथ में थोड़ी सी लेटेंसी होती है जैसा कि नॉर्मली हेडफोन्स में होता है गेमिंग के टाइम, लेकिन अगर आप इसको ऑक्स पर चलाते हो तो आप गेमिंग भी काफी ज्यादा सही से कर पाओगे। और गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वही थोड़ी सी कम है लेकिन बाकी जो पूरा प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा सही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ये आपको 600 से 800 की प्राइस रेंज में मिल रहा है तो गाइस फटाफट से ले लो यार, ये गोल्डन चांस मिस मत कर देना। तो गाइस अब हम बात करते हैं आप इसके गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और जीत सकते हो इस हेडफोन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को जो है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है सब्सक्राइबिंग का और लाइक का। और उसके बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छी सी कमेंट करनी है और उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करना है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आप देख सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। और ये जो दोनों स्क्रीनशॉट है आपको मुझे सेंड करने हैं। फिर जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स हो जाएगी गाइज, ठीक है, जैसे इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स हो जाएगी मैं इसके गिव अवे के विनर को अनाउंस कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके और एक चांस बना ले इसको जीतने का। शायद वो भी जीत सकते हैं, आप भी जीत सकते हो, वो लकी विनर बन सकते हो आप। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और अच्छे सी डीआईवाई वीडियो, टेक्निकल वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को लाइक के बिना और चैनल को सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा। और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट भी कर लेना, भूलना मत। बाय बाय।